So hello people, hope you all are doing good. Welcome to my new vlog. तो आज मैं आपको बैजनाथ मंदिर के दर्शन कराऊंगा. हम बीर में थे और बीर से हमने एक पब्लिक बस ली जिसका किराया 25 रुपये पर पर्सन था. उसने हमें बैजनाथ मंदिर के ठीक सामने उतारा. पालमपुर से ये मंदिर 16 किलोमीटर आगे है और बीर से हमको कुछ 20 से 25 मिनट का समय लगा यहाँ पहुँचने में. सो ये मंदिर 1204 CE में अहुका और मन्युका द्वारा बनाया गया था, जो उस समय के अमीर व्यापारी थे और भगवान वैद्यनाथ के बहुत बड़े भक्त थे. वैद्यनाथ रूप शिवजी का वैद्य या चिकित्सा रूप माना जाता है, पर कई हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि ये मंदिर 9th सेंचुरी में बना हो सकता है. तो इतना पुराना मंदिर है. मंदिर नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है. ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एंड मेंटेन किया जाता है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. मंदिर की सजावट बहुत ही सुंदर है. दीवारों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां जड़ी गई हैं और बहुत सुंदर लिखावट भी की गई है. कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस थी मंदिर में और इसलिए सबको दूर से ही दर्शन करने की अनुमति थी, इसलिए पूरा मंदिर घूमने का मौका नहीं मिला. जैसे कि जाने या आने के लिए रास्ता बनाया हुआ था, शिवलिंग को दूर से ही देख सकते थे एंड सारी घंटियों पर कपड़े बांधे हुए थे. तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर जितना भी है आई विल शो यू गाइस. एंड या एंजॉय द व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आगे वैसे तो लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड. ट्राई करता हूँ. तो आइए मैं आपको महापुराण की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा सुनाता हूँ. तो एक बार महापंडित रावण तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए कैलाश में शिव जी की आराधना कर रहा होता है. जब काफ़ी देर तक भगवान शिव दर्शन नहीं देते तो रावण को कुछ सूझता नहीं और वो एक के बाद एक अपने 10 सर हवन कुंड में चढ़ाने शुरू कर देता है. जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही होता है तभी भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं. शिव जी उसे असीम शक्ति प्रदान करते हैं और उसे अपना परम भक्त घोषित करते हैं. तब रावण शिव जी से अपने साथ लंका ले जाने की कामना प्रकट करता है, जिस पर शिव जी उसे एक आत्मा लिंग देते हैं और कहते हैं कि इसे वहीं रखना जहाँ तुम इसे स्थापित करना चाहते हो, कहीं और ज़मीन पर मत रखना. अब रावण शिवलिंग लेकर निकल जाता है, पर बीच में उसे लघु शंका लगती है. बहुत देर के बाद जब उसे और सब्र नहीं होता तो उसे एक चरवाहा दिखाई देता है. अब ये चरवाहा गणेश जी होते हैं जो एक चरवाहे के रूप में आए होते हैं ताकि वो शिवलिंग को लंका जाने से रोक सकें. उस चरवाहे को रावण ये शिवलिंग पकड़ने को कहता है और कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इसे ज़मीन पर मत रखना, और रावण अपनी लघु शंका मिटाने चला जाता है. पर जब बहुत देर तक रावण नहीं आता वो चरवाहा उस लिंग को ज़मीन पर ही रखकर चला जाता है और इस तरह आत्मा लिंग लंका जाने से बच जाता है और वहीं स्थापित हो जाता है. इंटरनेट पर बहुत जगह लिखा है कि ये शिवलिंग वही है जो रावण ने रखा था, पर मैंने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वो शिवलिंग नहीं है, वो शिवलिंग देवगढ़ झारखंड में है. और इंटरनेट पर कुछ जगह पर ये भी लिखा है कि वो शिवलिंग गोकर्णा महाबलेश्वर में स्थापित है. अकॉर्डिंग टू मी वो गोकर्णा में ही है. एंड या आई एम श्योर दैट यू माई हैव लाइक दिस कथा. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये कथा, तो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइस. सो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं एंड वेरी ब्यूटीफुल मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है. यू शुड विजिट दिस प्लेस अगर आप हिमाचल आ रहे हैं, अगर आप पैराग्लाइडिंग करने आ रहे हैं स्पेशली बीर के आसपास, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस.